और यहाँ मैं आपको बता चुका था कि अगर स्टेडी स्टेट करंट यूज करते हैं तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो जीरो होगा, और तब आपको मिलेगा डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू जीरो। ओके, लेट्स चेक द पॉइंट। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एम्पियर्स ला लिख रहा हूँ इन डिफरेंशियल फॉर्म, और एम्पियर्स ला को यू नो कि कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल फॉर्म लिख के बता दूं आपको, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स आई इनक्लोज। और जब इसको हम लोग इनक्लोज बोलते हैं तो उस टाइम का मतलब ये है कि अगर ये कोई वायर है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है ए टू बी ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और इस पी पॉइंट पे मुझको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से जितना भी लोकस है ये इसके उतने ही डिस्टेंस पे वायर से, सपोज किया आर है तो आर डिस्टेंस पे ये इधर इधर सभी चारों तरफ ले लूंगा, तो और उन सभी पॉइंट्स पे जो होगा ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, राइट। तो ये जो क्लोज पाथ है बेसिकली इसके थ्रू आपकी करंट इनक्लोज हो चुकी है, तो नाउ यू कैन अप्लाई दी एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली टेंजेंशियल होगा लाइक दिस, राइट। सो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और डीएल क्या है, वो स्मॉल सेगमेंट है, तो ये आपका वेक्टर डीएल है। तो बी डॉट डीएल जो ये क्लोज पाथ हुआ है आपका इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एम्पियर्स का लॉ है, जो हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। एम्पियर्स का लॉ आप ये याद रखिए कि हम लोग अगर कोई करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आई एम जस्ट टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल दैट इज ऑफ बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी म्यू नॉट टाइम्स जे, और इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लें टर्म को तो वन कैन राइट म्यू नॉट टाइम्स डेल डॉट जे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड नाउ द लेफ्ट हैंड साइड यू आर टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल इज इक्वल टू जीरो। इसको इसका रिजल्ट मैथमेटिकली जीरो है, बट आपको पता है कि ये जीरो क्यों है। अभी आपने देखा कि ये बी डॉट डी एल क्लोज पाथ में जब आप लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ बी, तो ये आपने स्टोक्स थ्योरम के साथ में भी देखा होगा, वहां पर हम इसके रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप ये देखिए इस पॉइंट पर ये आपका अगर मैं बी लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन ये है, और इसके सामने बिल्कुल अगर मैं बी लूंगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी ऑफ द सेम एलिमेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। और जब मैं डाइवर्जेंस ले रहा हूं इस कर्ल का, राइट, तो यहाँ पर डायरेक्शन उसकी, क्योंकि कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी इधर डायरेक्शन है और दूसरे पॉइंट पे जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इनका जो वेक्टर सम आएगा ऑब्वियस है कि वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ में, तो दैट्स वाई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो अभी सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि म्यू नॉट टाइम्स और ये डाइवर्जेंस ऑफ जे है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि भाई यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं, एक म्यू नॉट है स्टैंडर्ड, वो तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो जीरो हो सकता है। और यहाँ जब मैं इसको डाइवर्जेंस ऑफ जे को जीरो लिखता हूँ तो मेरे माइंड में जो अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि व्हेन आई सी दिस डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू जीरो, तो ऑटोमेटिकली आई कैन कंक्लूड कि भाई जो करंट है वो डायरेक्ट करंट है, वो स्टेडी स्टेट टाइप की है, उसकी नेचर जो है वो स्टेडी स्टेट टाइप की है, ये हम लोगों ने कंक्लूड किया था। तो अभी जब ये एम्पियर्स लॉ के अंदर हम लोगों ने इसकी डिफरेंशियल फॉर्म का डाइवर्जेंस लिया तो हम लोगों को मिल रहा है डाइवर्जेंस जे जीरो,
तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एम्पियर्स का लॉ है दैट इज वैलिड ओनली फॉर द डायरेक्ट करंट, दिस इज ट्रू फॉर द डायरेक्ट करंट। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रू नहीं है एम्पियर्स का लॉ? तो यहां पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। और फिर दोबारा बता दूं कि अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूं या जो समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी फैमिलियर हैं विद दिस कंसेप्ट। नाउ यू नो द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड यू हैव सीन मैनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ पिक्चर जहां पे आप एक कैपेसिटर यूज करते हैं, राइट? ये कोई सोर्स है, ये फिर आपका रियोस्टेट है और फिर यहाँ आप, मैं आपके लिए बना दूं कि ये कोई की है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर जुड़ा है। अब अगर यहाँ से करंट चलना स्टार्ट होती है, राइट, तो करंट कैसे चलेगी? करंट चलेगा हमारा इस तरह। और जब करंट कहीं भी, अगर मुझको अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे, आई कैन फाइंड आउट P1 इज दैट पॉइंट एंड दैट इज एट आर डिस्टेंस, सो आई कैन फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, दैट इज एट आर डिस्टेंस। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि करंट भी इनक्लोज है, जैसे कि अभी इसमें यहाँ बताया B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो आपकी करंट भी इनक्लोज है और ये आप इस एम्पियर्स लॉ को भी फुलफिल करते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P1। क्या आप इस P2 पॉइंट पर जो कि R2 डिस्टेंस पर है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? R2 डिस्टेंस ये एक्सिस मानकर चला हूं मैं, तो ये R2 डिस्टेंस पे क्या आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। पहला पॉइंट नो का ये हो सकता है कि यहां पर आपका डीसी सोर्स लगा है, तो डीसी सोर्स के लिए आपका कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, तो यहां पर कोई भी आपको करंट नहीं मिलेगी, आप ऐसा सोच सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं इसको कहूं कि ये आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, तब ये सिचुएशन क्या होगी आप थोड़ा देख लीजिए कि आपका ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हुआ है, तो अब क्या होगा कि यहाँ आपका ये जो प्लेट आपको दिखाई पड़ रही है, इन प्लेट्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले ऐसे मान लीजिए कि हाफ साइकिल में आपका पॉजिटिव चार्ज आया है, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है, ये आपका हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल आपका निगेटिव, राइट? और इस पॉइंट पे आप देखते हैं कि आपके करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा, अभी मैक्सिमम इस पॉइंट पर हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम, उसके बाद में ये डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, फिर जीरो, और फिर सेकंड जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है उसमें फिर ये इंक्रीज करता है और मैक्सिमम इस पॉइंट पर, और फिर ये डिक्रीज करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये मानकर चलिए कि पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में आपकी ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बाई इंडक्शन क्या होगा, दूसरी प्लेट पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड द कैपेसिटर जो टू प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की साइड को होगी। दूसरा पॉइंट अब जो इम्पोर्टेंट है, आप ये देखिए कि यहाँ करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वेरिएबल, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी प्लेट पर उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा तो ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है इन बिटवीन द प्लेट्स वो भी वेरी करेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा। तो यहाँ यू ऑब्जर्व कि भाई DE अपॉन DT जो है वो करंट पर डिपेंड करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिंग, ये आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका कंसेप्ट कैसे जनरेट हुआ है, इसका कंसेप्ट जनरेट हुआ है अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू।
जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज किया कि पहली प्लेट जो है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय इंडक्शन, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इनके बीच जो फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी जो आपको शो की है। और क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट जो स्ट्रेंथ है ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट, वो जितना भी चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा एंड इधर निगेटिव का भी होगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ में चेंज होगा। तो यू आर ऑब्जर्विंग यहाँ क्या है भाई, कि आप बच्चे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, आपको यहाँ पर पता लग चुका है कि अब यहाँ अगर मैं नॉर्मल करंट यूज करता हूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये था कि इस P2 पॉइंट पर क्या आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक आंसर आया था, एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट टाइम आपको दिखाई पड़ी थी कि नो, बट अब एक एनालॉजी यूज करते हैं फैराडे लॉ की। वो फैराडे लॉ के अंदर क्या है भाई, कि आपको पता है कि एप्साइलन जो EMF है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दी चेंज इन टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स। जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है दैट प्रोड्यूस दी EMF, दैट प्रोड्यूस दी करंट, और अगर करंट है तो ऑब्वियस है देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन ए सिंपल वे आई कैन से दैट, भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चे कि भाई जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है दैट प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दी सेम वे वाइस वर्सा यू कैन से कि अभी आप ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इसको मैं रिपीट कर दूं आपके लिए दोबारा, जैसे कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही टाइम ये आपका वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P2। तो P2 पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, वो मिलेगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है वो मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करते हैं और आप इस टाइप की पिक्चर यूज करते हैं, यहाँ थोड़ा मैं इस एक चीज मिस कर गया हूँ, तो उसको मैं ऐसे ड्रा करके आपको बता देता हूँ कि ये ओपन सरफेस है जो सेंटर से पास हुआ है और इसके थ्रू अभी जो है करंट पास हुआ है नहीं हुआ है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड या एम्पियर्स का लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट आपने कहा था नो, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर ये कुछ क्लोज सरफेस के साथ में देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर इसके थ्रू पास हुआ है, लेकिन इस साइड में ये हम लोग बोल सकते हैं कि क्या अब एम्पियर्स का लॉ वैलिड होगा, इस सिचुएशन में वैलिड होगा, तो आंसर इज नो। तो अभी जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग लेकर चले थे, उस डिस्प्लेसमेंट करंट की नेचर क्या है, वो कैसे दिखाई पड़ती है, किस फॉर्म में, तो उसको देखने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट एक जो पार्ट है इस वीडियो का वो देखना होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ में जो फिजिकल कंसेप्ट है उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और एक्चुअल में अभी जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो का उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नेचर क्या है, किस फॉर्म में वो फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाई पड़ती है।